हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी ग्रुप। 500 क्वेश्चंस की ये 19th वीडियो है। आगे आने वाली सभी क्वेश्चंस की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉर्निकेट टेस्ट इज पॉजिटिव इन ए मल्टीपल माइलोमा, बी पॉलीसाइथीमिया, सी हीमोफीलिया एंड डी परपुरास। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी परपुरास। जो टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव होते हैं वो अ रैश ऑफ पर्पल स्पॉट ड्यू टू स्मॉल ब्लड वेसल्स लीकिंग ब्लड इनटू द स्किन जॉइंट्स इंटेस्टाइन और ऑर्गन्स। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स के कारण स्किन के संयुक्त इंटेस्टाइन में आंतों के अंगों में लीकिंग होती है ब्लड के कारण, तो कौन से कलर के रैशेज हो जाते हैं? पर्पल कलर के रैशेज हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सीडेक्स इज ए 2% ग्लूटरियल्डिहाइड, बी 2% आयोडीन, सी 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड डी नन। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए 2% ग्लूटरियल्डिहाइड। जो ग्लूटरियल्डिहाइड है इज द रेफरेंस डिसइंफेक्टेंट फॉर हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारा ग्लूटरियल्डिहाइड होता है वो हॉस्पिटलों के उपकरणों मीन्स इंस्ट्रूमेंट के लिए भी डिसइंफेक्टेंट कीटाणुनाशक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैमलिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर पेपर में आता है ये एमसीक्यू, हर क्वेश्चन पेपर में आएगा। एम्स के, सफदरजंग के सारे हॉस्पिटल्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैमलिया। ए 1, बी 2, सी 4 एंड डी 8। हमारा राइट आंसर है इसका सी 4। जियार्डिया लैम्ब्लिया कितने न्यूक्लियाई होते हैं? हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया? 4। हमारा राइट आंसर है इसका 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एफएफपी कैन बी प्रिजर्व्ड यूटिलाइज्ड टिल। एफएफपी मीन्स फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ए 35 डेज, बी 6 आवर्स, सी 12 आवर्स एंड डी 1 ईयर। जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो कब प्रिजर्व्ड कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कब तक प्रिजर्व करके उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर है इसका डी 1 ईयर तक। द शेल्फ लाइफ ऑफ एफएफपी इज 1 ईयर बट इट कैन बी एक्सटेंड टू 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है इफ़ स्टोर्ड एट 65 डिग्री सेल्सियस। एफएफपी की शेल्फ लाइफ 1 साल तक होती है, लेकिन अगर हम उसको 65 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर्ड होने पर रखें तो उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, इसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हमारा राइट आंसर है इसमें 1 ईयर। जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो तो 1 ईयर तक है, लेकिन अगर हम उसको 65 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो हम उसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 7 ईयर्स तक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एटीपी का फंक्शंस क्या है? ए मैसेज कैरियर, बी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, सी मेक ऑफ प्रोटीन्स एंड डी ब्रेक डाउन शुगर्स। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। एटीपी हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड द एनर्जी नीडिड फॉर मैनी असेंशियल प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स। जो हमारा एटीपी हाइड्रोलाइसिस है जीवों और कोशिकाओं में कई आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो हमारा एटीपी है हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड एनर्जी मैनी असेंशियल प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स। कोशिकाओं और जीवों में कई आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा राइट आंसर क्या बताया मैंने? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।